और आइए एक और हिंदुस्तान की ऐसी शायरा से गुजारिश करते हैं कि जिसने फिल्मों में भी, जिसका फिल्मी सफ़र भी बहुत उम्दा रहा है, अदबी सफ़र भी बहुत उम्दा रहा है, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने हिंदुस्तान की अदब की नुमाइंदगी की है। कई मरतबा जब मैं उन्हें सुनता हूँ, देखता हूँ, तो अक्सर मुझे कई शेर याद आ जाते हैं। एक शेर मुझे इस वक्त, दो शेर याद आए कि एक महकता गुलाब है राना, आप अपना जवाब है राना, जिसको पढ़ते हैं सब मोहब्बत से, वो गज़ल की किताब है राना। आइए दोस्तों, गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान की उस खूबसूरत शायरा से, टेलीविज़न के हवाले से, मुशायरों के हवाले से, ये नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, मोहतरमा राना तबस्सुम साहिबा से गुजारिश करता हूँ, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। बग़ैर किसी तमहीद के आप सभी की इजाज़त चाहते हुए डाइस पर हमारे मोहतरम डॉक्टर सुहेल लोखंडवाला साहब मौजूद हैं, जिनकी बहुत सारी यहाँ पर कारगुजारी हमने देखी और माशाल्लाह मैं उनके हक़ में हमेशा दुआ गो हूँ। सीधे सीधे अपने चंद अशार से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करना चाहती हूँ और अपनी तमाम बहनों से इजाज़त चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मैं अपनी ज़िंदगी में काम ऐसा कर नहीं सकती। क्या कहने, सुने दोस्तों। मैं अपनी ज़िंदगी में काम ऐसा कर नहीं सकती, हया का पास है तहजीब रुसवा कर नहीं क्या सकती। कहने भाई, वाह वाह। अभी सर पर बुजुर्गों का मेरे साया सलामत है, अभी सर पर बुजुर्गों का मेरे साया सलामत है, तुम्हारी भूल है दौलत को सजदा कर नहीं क्या सकती। कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इन अशार की लाज रखी, हौसला अफजाई की। और चार मिसरे, अब यौमे ख़वातीन हैं तो ख़वातीन की ही बात करते हैं। निस्वानी एहसासात जो होते हैं उनका ज़िक्र जो है इस तरह से लफाजी में बयान करना जो है वो बहुत कमतर साबित होगा। जिस तरह से हम अपनी शायरी करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको अपनी शायरी से जोड़ने की। एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, देखिए जहाँ तक आपकी समाते हैं, सुनिएगा। कि एक तमाशा बना के छोड़ेगी, क्या कहने, आग दिल में लगा के छोड़ेगी, एक तमाशा बना के छोड़ेगी, आग दिल में लगा के छोड़ेगी, फिर तेरी याद मेरे परदेसी मुझको पागल बना के छोड़ेगी। क्या कहने, वाह वाह। और आइए हजरत यहाँ से कुछ हिज्र की बातें, कुछ वसल की बातें करते हैं, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद। कि कोई बाजी तो हार कर देखो, सारा गुस्सा उतार कर देखो, कोई बाजी तो हार कर देखो, सारा गुस्सा उतार कर देखो, कैसे कटती है हिजर की रातें, चंद लम्हे गुजार कर क्या देखो। कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुस्तकीम मक्की साहब, बहुत अच्छा शेर सुनाया मोहतरमा ने, लेकिन आप ज़ाती गुफ्तगू में इस कदर गर्क हैं। नहीं देखिए, आप ये गलत बयान कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब शेर ज़्यादा अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा मनहमिक होकर सुना जाता है। क्या बात है, बहुत हर शेर पर दादो तहसीन वसूल करना ये जो है आज के दिन खिलाफ उसूल है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि खुद को दिल का गुलाम कर लेती, खुद को दिल का गुलाम कर देती,
पेशुल्फ के जाम कर देती, एक इशारा तो कर दिया होता, जिंदगी तेरे नाम कर देती। क्या कहने में, वाह वाह। मैं एक मुख्तसर गजल आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। जो भी मेहमानान आ रहे हैं उनका खैर मकदम है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बतौर ख़ास मतलब पेश खिदमत है, सुनिएगा। जी शायद। कि मुसल्लत रही सुने हाजरीन खामशी रात भर, क्या कहने। यूं मुसल्लत रही खामशी रात भर, यूं मुसल्लत रही खामशी रात भर, मुझसे रूठी रही जिंदगी रात भर, मुझसे रूठी रही जिंदगी रात भर। कैफियत है, वाह वाह। यूं मुसल्लत रही खामोशी रात भर, मुझसे रो ठी रही जिंदगी रात भर। क्या कहने। अब्र की गोद से चांद निकला नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुने हाजरीन, बहनों की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। शेर जो है वो इशारों और किनायों की जुबान है, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। के अब्र की गोद से चांद निकला नहीं, अब्र की गोद से चांद निकला नहीं, राह तक तीरा ही चांद वाह वाह वाह, रात भर। क्या कहने भाई, वाह वाह राह तक। थोड़ा सा जो है अपना, मैं समझती हूँ, मैंने अभी भी कहा कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन एक हौसला अफजाई का एक तरीका होता है। आप जानते हैं कि दाद और तहसीन तो होती है, लेकिन हौसला अफजाई कैसे की जाती है आप बेशक बखूबी जानते हैं। तो एक मरतबा इस खवातीन के मुशायरे के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजा दीजिए। बेहद शुक्रिया, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि नर्म बेस तर पे फै ली रही सिलवटें, नर्म बेस तर पे फै ली रही सिलवटें, क्या कहने। नर्म बेस तर पे फै ली रही सिलवटें, एक बे चारी शम मा जली। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या क्या मंजर बयान हो रहा है शायरी में, वाह वाह वाह। एक बेचारी शम मा जली रात भर। बतौर खास शेर मुलाजा फरमाए कि मेरी पल को पिता रे चमकते रहे, मेरी पलकों पे तारे चमकते रहे, को पिता रे चमकते रहे, आपकी याद वाह 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 वाह, क्या कहने में, वाह 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 वाह, बेहद शुक्रिया बेहद शुक्रिया। आपकी फिर जहमत होगी मोहतरमा, बहुत उम्दा शेर है, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मेरी पल को पिता रे चमकते रहे, क्या कहने। मेरी पल को पिता रे चमकते रहे, आपकी याद रही। वाह 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 वाह। और मक्ता पेशे खिदमत है, सुनिएगा। जी। के गम
का इज़हार राम ना करूं किस तरह, गम का इज़हार राम ना करूं किस तरह, हार राम ना करूं किस तरह, गम का इज़हार राम ना करूं किस तरह, दिल पे छाई रही बेकली रात, क्या कहने भाई, वाह वाह, यूं मुसल्लत रही खामोशी रात भर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, ये थी मोहतरमा राना तबस्सुम साहिबा।